अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक पेपर से स्नेक बनाना सिखाने लगी हूँ कि पेपर की मदद से हम लोग एक सांप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सो गाइस, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने कोई भी पेपर ले लेना है, A4 किसी भी कलर का ले लेना है, और सिंपल आपने इसको फोल्ड करना है इस तरह। ठीक है, इस तरह फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं इसको जो यहाँ से एक्स्ट्रा पेपर होगा वो हमने कट कर लेना है। और मैं विद्या को फिर से इसे कट कर दूंगी। ये देखें, मैंने इसे कट कर लिया। अब मेरे पास एक सिर्फ स्क्वायर बॉक्स है। ठीक है, स्क्वायर जो होता है, अगर तो आप लोगों की लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो आप लोगों की जो विड्थ है वो भी 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। हमने ये दोनों साइड्स सेम लेनी है, मतलब कि इसका सेंटीमीटर और इसका सेंटीमीटर दोनों का सेम होना चाहिए। देन हम लोग क्या करेंगे, इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ठीक है, इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह फोल्ड करेंगे, किनारा इसका देन हम लोग इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। अब हमने क्या करना है, इस दोनों साइड से ऐसे बना दिया। इसको इस तरह से दोबारा फोल्ड करना है अंदर की तरफ, ऐसे फोल्ड हो गए, देख सकते हैं हम इसको भी ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इसको हम लोग इस तरह से फोल्ड कर देंगे अंदर अंदर। ठीक है, एक इसको प्रॉपर शेप दे देंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने एक और स्नेक तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने इसकी आगे से बॉन्ड जो भी होता है ये बना लिया। अब मैं आपको उसको टेस्ट करके दिखाऊंगी। ये देखें, अब ये है, इसको मैं विद द हेल्प ऑफ ग्लू अटैच कर दूंगी इसके साथ। इसके पास एक और भी है हमारे पास, तो हम उस पर भी लगा देंगे। ये देखें, उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, अब हम लोग इस पर आइस लगा देते हैं।
जब आप देख सकते हैं कि ये मेरे स्नेक तैयार हो गए हैं। मैंने इन दोनों को बना लिया है और इसकी लास्ट लुक ऐसे है। इस पर हम लोग एक छोटा सा पेपर लेंगे और आइस कट करके लगा देंगे। ये देखें इसकी होल लुक है। उम्मीद है ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।